डब्ल्यू पार्क में सप्ताह का अंत हुआ। छोटे और लल्लू ने पतंग उड़ाने का फैसला किया। मिस्टर बंता के सब्जी का खेत बहुत सुंदर दिख रहा है। बेशक मिस्टर बंता अच्छे से देखभाल करते हैं। छोटे कस के पकड़ो, पतंग दूर जा रही है। छोटे जल्दी पकड़ो पकड़ो, वो दूर चली गई। मेरी आंखें, पतंग कहाँ गई? चलो ढूंढते हैं। ठीक है। कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिंकी। मिस्टर बंता, छोटे अब हम क्या करेंगे बताओ। छोटे लल्लू, गुड मॉर्निंग, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, चलो चलते हैं। नहीं तुम जाओ, नहीं तुम पहले जाओ। गुड मॉर्निंग मिस्टर बंता। गुड मॉर्निंग निक्कू। शुरू होने वाली है, जाओ तुम सब। ला 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 ला। अरे ये क्या हो गया? ओ मेरा बगीचा, मेरी सब्जियां।
ये सब किसने किया? पंता को बताना चाहिए? छोटे चलो छुपन छुपाई खेले। नहीं शुक्रिया, मैं चेक कराऊंगा। मंगू क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, माफ कर दो मुझसे तुम्हारी पैंट टूट गई। कोई बात नहीं, मैं इसे जोड़ दूंगी। शुक्रिया रिंकी। शायद मिस्टर पंता को बताने से वो हमें माफ कर दे। चलो वो मैं नहीं था। मेरे तो ये तुम हो छोटे। चलो चलकर माफी मांगे। वाह! अगर हम उन्हें सच बता दे शायद वो हमें माफ कर दे। नहीं मुझे नहीं लगता, मिस्टर बंता बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन हम उनसे हमेशा नहीं छुप सकते। मैं कोशिश करूँगा। चलो फिर एक साथ करेंगे क्लास के बाद। फिर मिलेंगे मंगू। बाय। चलो चलते हैं लल्लू। मिस्टर बंता। छोटे मैं अभी तैयार नहीं हूँ, कल बताएं क्या? बंता तुम परेशान हो, क्या बात है? कोच डमरू मैंने बहुत मेहनत की थी लेकिन देखो सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर मेरी मदद चाहिए तो बताओ मुझे। देखा मैंने तुम्हें कहा था ना। क्यों ना हम? तो तुम्हें क्या लगता है? ठीक है फिर। तुम सब घर क्यों नहीं गए? अभी यहाँ क्या कर रहे हो? हम आपके साथ घर चलना चाहते हैं। अच्छा ऐसी बात है, हम साथ साथ चलेंगे। अभी मैं बगीचे की तरफ जा रहा हूँ। मिस्टर बंता वो हम आपके साथ सब्जी लगाना चाहते हैं। ठीक है, चलो मेरे साथ तुम सब। मिस्टर बंता लाओ मैं आपकी मदद करूं। मुझे बीज मिलेंगे। ठीक है। इस बार मैं धीरे धीरे पानी डालूंगा। सब हो गया। छोटे लल्लू मिस्टर बंता तुम दोनों थक गए होगे, तुमने मेरी बहुत मदद की, शुक्रिया। मैं मिस बनर्जी को तुम्हारे बारे में बताऊंगा और उनसे कहूंगा कि तुम्हें कुछ इनाम दें और साथ ही तुम्हारे माता पिता को भी बताऊंगा। मिस्टर बंता इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये ठीक कह रहा है। आज के लिए शुक्रिया, तुम दोनों तारीफ के लायक हो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है बच्चों। छोटे सच बता दो। क्या बात है? मेरा मतलब है हमने वो सब आपकी सब्जियां हमने खराब की है। क्या? लेकिन हमने जानबूझ के नहीं किया, उसका हमें अफसोस है। हमें माफ कर दो। मिस्टर बंता हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे बच्चों रो मत। हम तो सब कुछ ठीक करने गए थे। हमने उसे ठीक करना चाहिए लेकिन वो और बिगड़ गया। हमें माफ कर दीजिए, हमारा इरादा सब कुछ खराब करने का नहीं था। कोई बात नहीं, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, परेशान मत हो। लेकिन क्यों? हमने तो आपकी सारी सब्जियां खराब कर दी। ये सही है कि मेरा बगीचा बर्बाद हो गया है लेकिन तुमने ठीक करने में मदद की है मेरी। तुम दोनों बहुत बहादुर हो, तुमने अपनी गलतियां मान ली हैं। मिस्टर बंता हम झूठे नहीं होने चाहते। हाँ कोई बात नहीं, तुम दोनों ने ईमानदारी से अपनी गलती मान ली, ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। ये तो तुम्हारी हो गया मिस्टर बंता, हमसे नाराज नहीं है, हम पे गुस्से नहीं है। अरे हाँ देखो ये तुम्हारे लिए है। आपने हमारी पतंग ढूंढी, शुक्रिया मिस्टर बंता। कोई बात नहीं। कितना खूबसूरत दिन है, चलिए चलकर देखते हैं आज बच्चे क्या कर रहे हैं।
बस के प्लेन की दौड़ शुरू करो। 3, 2, 1 जाओ। तुमने देखा मेरा प्लेन कब से आ गया है? यकीनन वो ही जीतेगा। किसी हाल में नहीं, मेरा प्लेन जीतेगा। चलो नीले प्लेन। अरे प्लेन जीता। मेरा प्लेन तो गिर गया। मुन्ना, तुम्हारा प्लेन तो पेड़ से लटका गिर गया। देखो सिर्फ मेरा प्लेन ही बचा है। मैं जीता। ओ ओ मेरा नन्हा प्लेन। हे प्लेन, हे पीले प्लेन, तुम कहाँ हो? पीले प्लेन, कितना बड़ा कद्दू। बड़े, इधर आओ दोस्तों, देखो मुझे क्या मिला है। वाह, इतना बड़ा कद्दू, मैंने कभी इतना बड़ा कद्दू देखा नहीं था। तो तुम्हें क्या लगता है हमें अपने इस बड़े से कद्दू के साथ क्या करना चाहिए? मेरे पास एक आईडिया है, चलो इसका शैतान बनाते हैं, एक सबसे बड़ा भयानक शैतान। अच्छा आइडिया है। छोटे, मेरे पास एक आइडिया है, हम अंदर का निकाल के मम्मी को दे देंगे, जिससे वो हमारे लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट कद्दू का पाई बना सके। कद्दू की पाई? कद्दू की पाई स्वादिष्ट लग रहा है। पहले हमें ये बेल निकालनी होगी, इस तरह से हम इसे घर ले जा सकते हैं। बड़े, मैं ठीक हूँ। देखो अब हम जा सकते हैं। ये लाजवाब है। मुझे ये मिल गया। ये बहुत भारी है। बड़े, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, मैं कोशिश करता हूँ। ये पक्का हिलेगा। ये तो बहुत भारी है। तुम्हें पहले ही बोला था। ले लो, हम मिलकर करेंगे। तैयार हो? 3 की गिनती में हम सब उठाएंगे। ठीक है। 1, 2, 3 चलो। मैं भी मदद करता हूँ। इसे कैसे हिला पाएंगे? ये तो बहुत ही भारी है हमारे लिए। क्या हम धक्का देकर कोशिश करें? वो काम कर सकता है। हम सब मिलकर काम करेंगे। और धक्का दो। ये काम करेगा। छोटे, तुम इस बेल के साथ क्या कर रहे हो? हम इसको इसमें बांधेंगे और फिर खींचेंगे। मुझे यकीन है इस बार हम इसको हिला पाएंगे। हाँ। बड़े चलो। ठीक है। तीन बोलने पर खींचेंगे। और 3। Bye.
निकला इसे। हम बस इतना ही दूर ला पाए। इसमें बहुत वक्त लग रहा है, सूरज भी ढल रहा है, हम क्या करेंगे? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इसे आधा काट लें? बिल्कुल नहीं, अगर हम इसे आधा काट देंगे तो फिर हम इस कद्दू का शैतान नहीं बना पाएंगे। सही है, हम काट नहीं सकते। छोटे, हमें कुछ सोचना होगा, मुझे पाई चाहिए। तो क्या हम इसे घर ले जा सकते हैं? छोटे, तुम्हें क्या लगता है, हमें कद्दू को हिलाने के लिए कुछ डमरू की मदद लेनी चाहिए? मुझे नहीं पता। हम हार नहीं मान सकते, हमें प्लान के बारे में सोचना होगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, इस कद्दू को हिलाने का रास्ता ढूंढना ही होगा। ये इतना बड़ा आखिर है क्यों? राजकुमार लल्लू, एक कद्दू मुझे ऐसे नहीं हरा सकता। छोटे, मेरा ताज वापस करो। छोटे, मेरे पास आइडिया है, ये लो। ठीक है, तो बताओ तुम्हारा क्या आइडिया है? तो क्या तुमने गौर किया, लल्लू का ताज गोल है, जब वो जमीन पर गिरा तो वो लुढ़का। मुझे लगता है पर इसके एक ताज का कद्दू से क्या लेना देना है। तुम्हें दिख नहीं रहा है, ये दोनों गोल है। वैसे हम इसको इसकी तरफ रख देते हैं और इसको लुढ़काते हुए जाते हैं, ये आसान रहेगा। ये वाला अच्छा आइडिया है ना? हाँ, अगर हम इसे लुढ़का दे तो ये बहुत ही ज्यादा आसान होगा। मुझे ये पहले क्यों नहीं सूझा? छोटे, तुम तो बहुत होशियार हो। अब जब हमारे पास प्लान है तो हमें इसे लुढ़काने के लिए वो सब चीजें चाहिए। हमें एक डंडी और एक बड़ा पत्थर चाहिए। छोटे, वहाँ अच्छी डंडी है। ये पत्थर बढ़िया रहेगा। ठीक है। बढ़िया, इस पर कूदो। वाह, ये सच में काम कर रहा है। छोटे, तुम्हारी तरकीब बढ़िया थी, अब कितना आसान हो गया है। मीठा कद्दू बड़ा और गोल, कितनी अच्छी चीज हमें मिली है। मीठा कद्दू लुढ़क रहा है, सारे बच्चे इसे लुढ़कता हुआ देखो। उम्मीद करो कि तुम्हें कद्दू की पाई का बड़ा टुकड़ा मिलेगा। देखो मैं क्या कर सकता हूँ। राजकुमार लल्लू को अपना ताज और खेलना बहुत पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद है शरारत करना। दोस्तों, हमें छिपना चाहिए, पिंकी हमें ढूंढेगी। क्या तुम सब तैयार हो? जल्दी करो। मैं कहाँ छुपूं? मुन्ना, यहाँ छुप जाओ। ठीक है, हम तैयार हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। तो तुम यहाँ छुपे हो? लल्लू, तुमने मुझे डरा दिया। नहीं, ये बस एक मजाक था। लल्लू, देखो बड़े, मैं तुम्हारे लिए मोली लाया हूँ। हाँ, कहाँ चली गई मेरी मोली? बड़े, मेरी मोली गायब हो गई है। मंगू, शांत रहो, मैं कुछ करता हूँ। मेरी मोली।
मांगो, देखो ना मेरे पास क्या है। मेरी मूली? तुमने मेरी मूली को हाथ कैसे लगाया? क्योंकि तुम पूछ रहे हो। मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें चाहिए तो आकर ले लो। ये मेरी मूली है, मुझे दो। हिम्मत है तो लेके दिखाओ। रुक जाओ। हाँ, ये तुम्हारी मूली है, आओ लेके दिखाओ। देखता हूँ कौन सा गेम खेल रहे हैं। मैं भी आया। वापस दो मुझे, मुझे मूली वापस करो। जिसको मिला उसका। राजकुमार लल्लू, मैं यहाँ हूँ, मुझे दो, मुझे भी खेलना है। इधर फेंको, पकड़ो इसे। अरे मेरी मूली। मंगू मेरे पास है, आओ आकर ले जाओ। मेरी मूली, मेरी मूली। ये बंद करो, मंगू को उसकी मूली वापस दो। हम नहीं देंगे। मेरी मूली वापस करो। हमें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से चलो लल्लू। तुम मेरे दोस्त नहीं हो। इस खेल में मुझे मजा आ रहा है, मैं दूसरों पर आजमाऊंगा। लल्लू, वो बहुत दूर चले गए। हाँ, दोस्तों लल्लू हमेशा शरारत करता है। और निकू उसका पार्टनर है, वो लोग एक टीम है। मुझे लगता है अब से हमें उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। हाँ। बच्चों, आज मैंने दो तरह की पुडिंग बनाई है। एक है पाइनएप्पल पुडिंग, वाह, और ये है चॉकलेट पुडिंग, मजेदार। जो भी तुम्हें पसंद है ले लो। मुझे पाइनएप्पल वाली चाहिए। मुझे भी, मुझे भी। मेरी पसंदीदा मीठी पाइनएप्पल वाली। राजकुमार लल्लू, क्या हुआ निको? तुम ना विश्वास नहीं करोगे, मैंने अभी क्या देखा है। क्या देखा तुमने? मैंने टूटता हुआ तारा देखा। उधर देखो। कहाँ है, कहाँ है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। निको, तुम्हें यकीन है वहाँ टूटा तारा है? ठीक है, ओ जादुई टूटे तारे, मेरी एक इच्छा है। मेरी इच्छा है मुझे जंगल का राजा बनना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निक्कू चला गया। खाने का समय है। ये खट्टा है। मैंने पाइनएप्पल का स्वाद इतना खट्टा कब से हो गया? आखिरकार मैंने अपना घर बना लिया। दोस्तों आओ मेरा घर तो देखो। मैं निको हूँ, मैं घर तबाह कर दूंगा। हम नहीं जाएंगे। पर क्यों? तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे घर आए? मुझे यकीन नहीं तुमने फिर से कोई शरारत की तो। ये शरारत नहीं है, कसम से ये निमंत्रण है। तुम्हारी बात पर कैसे भरोसा कर ले? ठीक है, जो चाहे वो करो। नहीं, मेरा घर, मेरे घर के साथ ये किसने किया? बहुत घिनौना मजाक किया। चलो थोड़े फल इकट्ठे करते हैं। ये पेड़ मेरा है, ठीक है? मैं कहीं और जाकर देखता हूँ। ये तो मधुमक्खी का छत्ता है। मधुमक्खी का छत्ता। लल्लू रुको, मेरे पास एक प्लान है। ठीक है। रिंकी, 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 क्या तुम लुका छुपी खेलोगी? लुका छुपी? ठीक है। ये जगह सही लग रही है। ठीक है। मैं तुम्हारी आंखों पे पट्टी लगाता हूँ। मैंने देख लिया है, पट्टी ठीक से लगी है। रिंकी तुम दस्तक गिनने के बाद ढूंढना शुरू करो, ठीक है? ठीक है। चलो शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मैं आ रही हूँ। बस सको तो बच लो।
ये तो छोटा झाड़ है, कहाँ गए तुम लोग? हाँ? पकड़ लिया, पकड़ लिया। ये किसका सर है? और इसके कान कहाँ गए? ये क्या है फिर? ये तो मधुमक्खी का छत्ता है भाई। पर रुको लल्लू, क्या लगता है शरारतें अच्छी होती हैं? थोड़ा मजा तो आता है पर क्या तुम्हारे दोस्तों को भी अच्छी लगती है? मुझे नहीं लगता, इनका कोई मजाक पसंद नहीं करता। ठीक कहा ना? अच्छा नहीं लगता। लल्लू निको, तुम्हें शरारतों में मजा आता होगा, लेकिन तुम्हारे दोस्तों को उससे गुस्सा आ रहा है और वो तुमसे दूर हो रहे हैं। हाँ हाँ, मिस बैनर्जी मुझे माफ कर दो। ठीक है। मिस बैनर्जी मुझे भी माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है, ये मेरा आइडिया था, तभी राजकुमार लल्लू को चोट लगी। मुझे माफ करना राजकुमार लल्लू। ए, ऐसा मत कहो यार, तुम्हारे दोस्त में बहुत दम है। मंगू, रिंकी, पिंकी, हमें माफ कर दो, आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमने तुम्हें माफ किया, अब तुम हमारे दोस्त हो। चलो ना, चलो खेलते हैं। मैं जज करूंगी।